नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो जमीनी स्तर पर जाकर जनता की सुनते हैं। कभी महिला किसानों से मुलाकात करने चले जाते हैं तो कभी ट्रक ड्राइवर से मुलाकात करते हैं। हालांकि बीजेपी बहुत कोशिश करती है कि राहुल गांधी को कैसे ट्रोल किया जाए, लेकिन उनकी कोशिश से सफल नहीं होती है। खैर, अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने जनता का दिल जीत लिया है। एक सब्जी वाले की पीड़ा सुनकर उन्होंने उस सब्जी वाले का दिल जीत लिया है, खुद सब्जी वाले ने बताया है। दरअसल एक सब्जी विक्रेता टमाटर की ऊंची कीमत के कारण परेशान था। उसी पर बात करते करते वो भावुक हो गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। उसमें सब्जी बेचने वाले रामेश्वर ने यह भी बताया कि उसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलना है। इसके बाद राहुल गांधी ने सोमवार को रामेश्वर से मुलाकात की और मुलाकात की तस्वीर डाली। ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, रामेश्वर जी एक जिंदा दिल इंसान है, उनमें करोड़ों भारतीयों के सहज स्वभाव की झलक दिखती है। विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए मजबूती से आगे बढ़ने वाले ही सही मायने में भारत भाग्य विधाता है। अभी मुलाकात कैसी रही, इस पर सब्जी वाले रामेश्वर ने बात की है। बीबीसी न्यूज हिंदी से रामेश्वर ने बात की। राहुल ने रामेश्वर से क्या पूछा? रामेश्वर ने बताया कि आज राहुल जी से मेरी मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान उन्होंने मेरा और मेरे परिवार का हाल चाल पूछा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप चाहते क्या है और आपकी दिक्कत क्या है। मैंने इस दौरान अपनी समस्याएं उन्हें बताई। इस दौरान हमने साथ में खाना भी खाया। तो कुछ इस तरह से रामेश्वर ने बताया कि कैसे राहुल गांधी ने उनकी दिक्कतों को सुना। रामेश्वर की मदद करेंगे राहुल? अब इसको लेकर रामेश्वर से सवाल हुआ, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने मुझसे मदद की बात कही थी, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं पेट भरने लायक कमा लेता हूँ और अगर ना कमा पाऊँ तो मुझे भूखा भी सोना पड़ता है। राहुल ने रामेश्वर को दिया अनोखा तोहफा। इतना ही नहीं, अपने साथ खाना खिलाने के बाद राहुल गांधी ने रामेश्वर को एक खास तोहफा दिया है। रामेश्वर ने खुद कहा कि उन्होंने मेरी बेटी को एक मोबाइल देने की बात कही है, यानी एक खास तोहफा राहुल की तरफ से रामेश्वर को दिया गया है, एक फोन। पूरे परिवार ने राहुल गांधी से की मुलाकात। रामेश्वर ने बताया कि राहुल गांधी से उनके पूरे परिवार ने भी मुलाकात की थी। बीबीसी न्यूज से बात करते हुए रामेश्वर कहते हैं, मेरा उद्देश्य सिर्फ राहुल गांधी से मिलना था और मेरी मुलाकात हो गई है। मैं पूरे परिवार के साथ उनसे मिलने गया था। क्या था पूरा मामला, अब आपको मामला भी समझा देते हैं। दरअसल 28 जुलाई 2023 को राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो ट्वीट किया। वीडियो में सब्जी विक्रेता रामेश्वर ये बताते हैं कि कैसे टमाटर के बढ़े हुए दामों को लेकर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बातचीत के दौरान रामेश्वर भावुक हो जाते हैं और कैमरे पर ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वीडियो वायरल होने लगता है। राहुल गांधी उनसे मुलाकात करते हैं। इसके बाद राहुल के इस अंदाज पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए।